भाई कुछ कंफर्म हो या ना हो, ये बात तो कंफर्म है कि ये लोग जीने नहीं देंगे क्राफ्टन को। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। गाइस मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार कैसे हो आप सब? तो गाइस आज का भाई सब ये वाला जो वीडियो है ना, वो एक बार फिर से भाई ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया है। थंबनेल एंड टाइटल देख ही लिए होंगे भाई साहब, फिर से बैन वैन वाला मतलब ड्रामा चल रहा है। अब आप लोगों ने मेरा अगर ये वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग एकदम अच्छे से जानते होंगे कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया था। वेल, यहाँ पे एक एडवोकेट है एंड उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था एंड एक एनजीओ है प्रहार नाम से बेसिकली। सो उस एनजीओ ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक लेटर लिखा एंड दोनों का सेम कंप्लेंट था कि जो बीजीएमआई है वो एक क्लोन वर्जन है पबजी मोबाइल का। मतलब नाम बदल के, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके, कॉस्मेटिक में थोड़े बहुत चेंजेस करके वो गेम दोबारा इंडिया में आ चुका है। एंड यही कहना था गाइस कि इससे जो देश की सिक्योरिटी है उसके ऊपर अभी भी खतरा है। हालांकि गाइस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जवाब देते हुए ये कहा था कि पबजी मोबाइल एंड बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ये दोनों सेम गेम नहीं है एंड इन दोनों का काफ़ी कुछ जो चीज़ें वो अलग है। लाइक जो हमारे सर्वर्स है वो अलग है, जो डेटा है हम सभी के वो अलग जगह स्टोर होते हैं। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से कहना था एंड बहुत ही ड्रामा हुआ इस चीज़ को लेकर। एंड इससे यही चीज़ क्लियर हुआ कि बीजीएमआई पे आज नहीं तो कल कभी भी बैन नहीं लगने वाला है। बट अब ये जो मामला है ना भाई, मुझे नहीं लगा था कि ये एक बार फिर से एक अलग रूप के साथ आएगा। इस बार जो न्यूज़ आया वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है एंड भाई मतलब क्या कहूँ, मुझे तो लगा था कि ये मामला दब चुका है बट ये एक बार फिर से उठ चुका है। और क्या हुआ है ध्यान से सुनना। फाइनली यार यूसी खरीदने का दिन आ गया। अब हमें अच्छे प्राइस में अच्छे यूसी कौन देगा? अरे सोचने वाली बात है, अपना कोडा शॉप है भाई साहब। देखो गाइस यहाँ पे कोडा शॉप ना इस बार काफी धमाकेदार ऑफर भी लेकर आया है, जहां पर अगर आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू कोडा शॉप के साइट पे जाते हो तो आपको मिल सकता है अप टू 40% का बोनस यूसी। हाँ गाइस, अप टू 40% का बोनस यूसी आपको मिल सकता है और ये ऑफर 22 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 तक ही रहेगा। तो जल्दी जल्दी लुफ्त उठा लो। एंड यूसी कैसे खरीदना है चलो बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कोडा शॉप के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे BGMI सेलेक्ट करते हैं, फिर कैरेक्टर आईडी डालते हैं, जितने का रिचार्ज करना है उसे सेलेक्ट करते हैं एंड पेमेंट मेथड भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देन बाय नाउ यहाँ पे लोडिंग आया गाइस एंड इस चीज को कंफर्म कर लेना कि सभी चीज सही हो एंड उसके बाद कंटिन्यू एंड देख सकते हो गाइस कितना आराम से पेमेंट यहाँ पे हमारा हो चुका है बिना किसी दिक्कत का। एंड एक बार अपने गेम को रीस्टार्ट कर लेना तभी आपको साइड में यूसी शो कर देगा जितने का भी आपने खरीदा है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है। तो गाइज ऑफर बहुत ही मतलब ऑसम है तो लुफ्त जरूर उठाना। याद रखना कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू ही आप यूसी परचेज करना, अदरवाइज आपको ये ऑफर का कोई भी मतलब फायदा नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू ही जाके यूसी परचेज करना। और हाँ, कोडा शॉप ना सरप्राइजेस बहुत ज्यादा देता है तो कब कौन सा ऑफर आ जाए भाई साहब इसका कोई पता नहीं। तो आप लोग डेफिनेटली कोडा शॉप के फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, सभी चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मैं आप सभी को लेके चलता हूं एक आर्टिकल के तरफ जिसको देखने और सुनने के बाद ना आप शॉक हो जाओगे। तो ये रहा वो आर्टिकल, ETTelecom.com के तरफ से ये आर्टिकल लिखा गया है। एंड गाइज इसमें वही सेम एनजीओ प्रहार जिसका नाम है, उस एनजीओ ने जिसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर लिखा था अगेंस्ट बीजीएमआई की ये क्लोन वर्जन है एंड ऑल जो भी आप जानते ही हो सब चीज़, तो बेसिकली उसी प्रहार एनजीओ ने एक बार फिर से एक लेटर लिखा है। बट इस बार किसी मिनिस्टर को, किसी भाई बड़े आदमी को नहीं लिखा, इस बार भाई जो लेटर लिखा गया है वो लिखा गया है भाई साहब टेंसेंट के ओनर को। टेंसेंट के ओनर जिनका नाम है भाई साहब पोनी मा हुआतेंग, क्या क्या नाम रखते हैं भाई। तो वेल टेंसेंट के ओनर को लेटर लिखा गया है एंड उनको ये डेयर दिया गया है कि बीजीएमआई के पीछे जो क्राफ्टन कंपनी है उसमें टेंसेंट का कितना हिस्सेदारी है, कितना स्टेक है वो बताए। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो यहाँ पे ये यह चीज़ लिखा हुआ है कि In the letter, the NGO has dared Ponima asking him to disclose his full stake in Krafton, the company behind BGMI. और सिर्फ यही नहीं गाइज, यहाँ पे ना और भी काफी सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रहार एनजीओ के तरफ से टेंसेंट के ओनर को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है जो प्रहार एनजीओ के तरफ से पूछा गया है टेंसेंट के जो ओनर है उनसे, ऑन द ओरिजिन ऑफ द गेम
Prahar asks, can you deny that PUBG Mobile called BGMI in India was first developed by Lightspeed and Quantum, which is an internal division of Tencent? Definitely, ये सही है. PUBG Mobile को develop करने के पीछे Lightspeed and Quantum Studio का काफ़ी बड़ा हाथ है, जो कि Tencent का ही एक हिस्सा है. बट अगर इसको BGMI में लिया जाए तो BGMI को develop, publish सब चीज़ क्राफ्टन ने किया है. अब गाइज आप लोग बोलोगे कि यार हाँ ये तो बात सही है कि क्राफ्टन ने किया, बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जिससे भाई कंपनी ट्रबल में हो सकती है BGMI. और वो क्वेश्चन ये है कि NGO ने चैलेंज किया है कि क्राफ्टन में टेंसेंट के जितने भी स्टेक है, जितना भी हिस्सेदारी है, वो डिस्क्लोज करे. ये चैलेंज है NGO के तरफ से टेंसेंट के ओनर को. सभी जानते हो कि क्राफ्टन में 15% का 15% का स्टेक है टेंसेंट का, तो इसी को डिस्क्लोज करने बोला गया, क्योंकि ये सिर्फ अभी बातें हैं. कुछ आर्टिकल्स में ये चीज़ कहा गया, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है. एंड यही प्रूफ देने को कहा है, मतलब सीधा सीधी चैलेंज किया कि जो भी हिस्सेदारी है, जो भी चीज़ है, वो आप सामने डिस्क्लोज करें. तो भाई यहाँ पे ये जो मैटर है, जिसको ठंडा पड़ जाना चाहिए था, वो अब और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है. एंड यहाँ पे ये जो NGO है भाई, वो तो फुल फॉर्म में है कि भैया इस गेम को इंडिया में बैन ही करवाना है. तो भाई साहब देखो अब क्या होता आगे, क्योंकि भाई ये तो मामला जो था, जिसको ठंडा पड़ जाना चाहिए था, वो तो क्या तेज़ी से गर्म हो गया और क्या तेज़ी से फैल रहा है. अब गाइज यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या लेटर का रिप्लाई आता है या फिर नहीं. अगर आता है तो टेंसेंट क्या रिप्लाई देता है, और अगर नहीं आता है तो ये जो NGO है प्रहार, इनका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. अब देखो यार, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूं तो आई थिंक कि BGMI सेफ है, क्योंकि सभी जानते हो कि PUBG मोबाइल जब बैन हुआ, जिस रीज़न से बैन हुआ, वो सारे रीज़न को कंप्लीट करते हुए BGMI वापस आया है. अगर सिक्योरिटी का बात है तो हम सभी का डेटा सेफ है, क्योंकि इंडिया के सर्वर में स्टोर हो रहा है, सब चीज़ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो आई थिंक कि कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो गेम को डिफेंड कर रही है. सभी जानते हो कि लास्ट जो आर्टिकल आया था जिसमें PIL वगैरह फाइल हुआ था, गवर्नमेंट ने क्लियर किया था कि PUBG मोबाइल एंड BGMI ये दोनों सेम गेम नहीं है. तो जब यार गवर्नमेंट गेम को डिफेंड कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि गेम को आज कल कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है. बट हाँ, अगर ये चीज़ कोर्ट में जाता है तब ये शायद एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है. अब यार आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग ज़रूर बताना. जो भी न्यूज़ था वो सामने है, एंड वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है. लेट्स सी, एंड होप करते हैं कि जो भी चीज़ हो वो सब BGMI के फेवर में हो, और BGMI इसी तरह स्मूथली इंडिया में रन करे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का करियर कनेक्टेड है इस गेम के थ्रू. तो मैं नहीं चाहता हूँ, एंड आप सब भी ये नहीं चाहते होंगे कि गेम इंडिया में दोबारा बैन हो. बाकी यार जो भी है वो आप सब बताना. एंड वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना. चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि इसी तरह के कूल एंड अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा. तो ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब. एंड हाँ, शेयर करके भसड़ मचा दो भाई, मतलब जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ वगैरह मिले. तो शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो. अगर गेम दोबारा बैन हो जाता है तो क्या करोगे, मतलब जो भी चीज़ है वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना. तो चलो गाइस, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस.